वो नहीं किसी ना किसी अपने निजी अधिकारी को वो छोड़ के जाते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे हैं, आप उनसे ज्ञापन ले लेना। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है, यही हम आपसे कह रहे हैं कि लोकतंत्र की सबकी ये सरकार हत्या कर रही है, इनको किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ पैसे से परवाह है। जमीनें लुटवा दो, गरीबों का खून चूस लो, हर चीज निजीकरण कर दो, सब कुछ निजी हाथों में बेच दो, पूरे प्रदेश को बेचने की तैयारी सरकार कर रखी है। जमीनें तो हमारे बिकी गई है सारी, आपके जितने कोने जमीनों के रुतबों में सब बिक चुके हैं। तो हर चीज सरकार नीलाम करना चाह रही है, और लेकिन ये बिजली का निजीकरण कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें सड़कों से लेकर चक्का जाम से लेकर जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन गरीबों की ये मार रुद्रपुर में हम बर्दाश्त करना। मैं तो कह रहा हूँ आपसे, बहुत शर्म की बात है। अरे भाई, पार्टी के हम जिला अध्यक्ष हैं, हमारे पूरे सारे सीनियर लोग पार्टी के यहाँ पे आए हुए हैं, तो कम से कम अगर वो यहाँ पे नहीं है तो उनके नीचे जो यही होता, कम से कम किसी को छोड़ के जाता है यहाँ पे भी उनका ज्ञापन ले लेना, तो तभी हमें चस्पा लगाना पड़ा आज यहाँ पे। देखो, बिजली का निजीकरण जिस तरीके से धामी सरकार या एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाह रही है, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और इसका हम विरोध करते रहेंगे। गरीब लोग पहले ही मरे पड़े हैं, महंगाई कंट्रोल हो नहीं पा रही, सिर्फ आप चंद करोड़पतियों को अरबपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप निजीकरण वाला एक्सपेरिमेंट उदयपुर में ट्राई कर रहे हो, उसके बाद आप पूरे प्रदेश में करना चाह रहे हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आएगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम आदमी की, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी है। गरीबों का जो उत्पीड़न का जो फरमान है, ये इस फरमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमें चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे, लेकिन गरीबों पर इतना बड़ा अत्याचार हम लोग नहीं होने देंगे। रुद्रपुर में 80% लोग नजूल में हैं, और उसमें 20% ही ऐसे लोग हैं जो कमाते हैं, पैसा तनख्वाह मिलती है। 60% वो लोग हैं जो सवेरे निकलते हैं धूप में और शाम को दिहाड़ी करके घर पे आते हैं, वो बेचारे कहाँ से इसका जो है एडवांस में पैसे भरेंगे। और किसी घर में दुख है, सुख है, मीटर में लाइट नहीं होगी, लाइट कट जाएगी, तो हर तरीके से ये गरीब आदमी का मजाक उड़ाने वाला काम है, उसको और दबाने वाला काम है, और कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरीके से विरोध करती है, और हमें किसी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन निजीकरण रुद्रपुर में बिजली का बर्दाश्त नहीं करेंगे। धामी जी ने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि 100 यूनिट हम फ्री देंगे, सबको कही थी ये बात कि हम 100 यूनिट फ्री देंगे। अब आप कभी ये मीटर लगा दोगे प्राइवेट स्टेशन वाले, वो फ्री वाला काम कहाँ गया? इसका मतलब आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप जो है जनता को आप पागल बना रहे हो आप जो है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी जो है। ये बहुत निंदनीय काम है, जनता के हित के काम नहीं है, बल्कि ये अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में व्यवस्थाओं को देने का काम है, और ये बहुत गलत काम है। इसका जितनी निंदा की जाए वो कम है।